Hello, my dear students. I am Abhishek Kumar. I am the biology faculty of Swetambra Academy in Muzaffarpur. So today I teach class 9 biology. Chapter name is the fundamental unit of life that we call cell. So cell के बारे में आप लोग already पढ़ चुके हैं class 7 और 8 में, यानी कि 8 level तक जो आप लोग cell के बारे में already पढ़ चुके हैं, class 8 नहीं पढ़े होंगे. तो देन जो है नाइन्थ में हम चले हैं. नाइन्थ में जो सेल के बारे में क्या डिटेल में पढ़ेंगे वो आगे हम लोग को यहाँ पे देखना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल जो है वो होता क्या है. तो यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल का मतलब होता है क्या, मूलभूत. अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो मूलभूत, और यूनिट का मतलब इकाई. मूलभूत इकाई मतलब की जो जीवन है, लाइफ का मतलब जीवन. तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है, मतलब जिससे जीवन चल रहा है, जिससे जीवन पॉसिबल है, वो क्या है, हमारा सेल है. जिस तरह से फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं एटम, कोई भी मैटर है, कोई भी दुनिया का मैटर है, वो किस चीज का बना है, एटम का बना है. उसी तरीके से अगर बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो वो होता है क्या, सेल. विदाउट सेल नो लाइफ इज पॉसिबल, नो बायोलॉजी इज पॉसिबल. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ना है इसमें सेल के बारे में. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट तरह का होता है. तो बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सेल. तो सेल के वजह से ही जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, उनमें उनका जो स्ट्रक्चर है वो देखने को हमको मिलता है, वो जो एक्टिविटी करते हैं वो भी ड्यू टू द सेल ही होता है. ठीक है, तो ये सारे चीजें को हम लोग देखते हैं. देन हम लोग बात करते हैं कि सेल जो है कैसे इन्वेंट हुआ. सेल का जो पास्ट है, जो डिस्कवरी है, वो एक टॉपिक हम वहां पे देखेंगे. तो सेल का जो डिस्कवरी है, तो सबसे पहले आप लोग पढ़ लिए होंगे, अर्लियर क्लासेस में, कि सेल का जो डिस्कवर है वो कौन किया, रॉबर्ट हुक. कौन किया, रॉबर्ट हुक. ठीक है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन विच ईयर, 1665. तो 1665 में रॉबर्ट हुक जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए थे वो क्या किए थे, सेल का डिस्कवरी किए. तो सेल का डिस्कवरी किए तो एक बुक था, उस बुक का नाम था क्या, माइक्रोग्राफिया. उस माइक्रोग्राफिया बुक में ही, उस माइक्रोग्राफिया बुक में ही वो अपने सारे डिस्कवरी को पॉइंट किए. ठीक है, तो जो भी डिस्कवर किए वो माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश हुआ था. ठीक है, 1666 में. लेकिन 1665 में वो डिस्कवर कर लिए थे, और जो स्ट्रक्चर उनको दिखा था, और किसके थ्रू, सेल विदाउट एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप. तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही जो है सेल का डिस्कवरी पॉसिबल था. उसे मार्केट में की तरह का जो है वो माइक्रोस्कोप मार्केट में वो बिकता नहीं था किसी कंपनी के द्वारा. तो वो उस समय अपना डिजाइन किया हुआ इनका माइक्रोस्कोप था, और सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के मदद से ही उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था. ठीक है, और जो इनको फिगर दिखा था, जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो इन्होंने देखा था वो ये फिगर था. देखिए ध्यान से, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है उन्होंने नोट किया था. ठीक है, तो ये हेक्सागोनल दिख रहा है ना, हेक्सागोनल सिक्स साइड्स वाला, तो ये देखा था. और ये शेप था हनीकॉम, जो स्ट्रक्चर था हनीकॉम, यानी मधुमक्खी के छाते के समान स्ट्रक्चर इनको दिखा था. ठीक है, और किस चीज पे, यानी कि स्ट्रक्चर तो उन्होंने देखा, लेकिन किस चीज को रख के देखा था, तो कॉर्क. किस चीज को लेके, कॉर्क. विद द हेल्प ऑफ कॉर्क, और क्या होता है, जो बार्क होता है, ट्री का जो बार्क होता है ना, बार्क यानी कि तना. तो उसका जो सबसे ऊपरी पार्ट, जो अपर लेयर होता है, जो वो डेड होता है. ठीक है, आप लोग सेल के बाद टिश्यू में पढ़ेंगे आराम से, उसमें आपको पता चल जाएगा कॉर्क होता है क्या है एक्चुअली में. तो बस आप इतना ध्यान दीजिए कि कॉर्क जो होता है वो प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो कि डेड होता है, लिविंग नहीं होता है.
ठीक है, ये डेड स्ट्रक्चर होता है और इसी के एक थिन स्लाइस का, एक थिन स्लाइस, एक छोटा पतला सा एक स्लाइस या टुकड़ा से जो है वो देखे थे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिखाता है। और किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट उनको दिखे थे और इस एक कंपार्टमेंट को इन्होंने नाम दिया सेल, मतलब लिटिल रूम, छोटा छोटा रूम। ठीक है, तो ये था रॉबर्ट हुक का कहानी। लेकिन बात करते हैं कि लिविंग सेल था कि डेड सेल था, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कॉर्क जो होता है वो डेड सेल का बना होता है, हम अभी बताएं, लेकिन उस समय तो नहीं पता था। तो वो जो रॉबर्ट हुक जो सेल डिस्कवर किए थे वो एक्चुअली में डेड सेल था। तो क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक। Who discovered non-living cell? Robert Hooke. लेकिन बात आएगा who discovered living cell? Living cell का डिस्कवरी कौन किया था? तो एक साइंटिस्ट है एंटोन लीवेनहॉक। एंटोन लीवेनहॉक ठीक 1662 से 9 साल बाद 1674 में एंटोन लीवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी किया था लिविंग सेल का। मींस कि ये भी जो है वो डिस्कवर किए थे विद हेल्प ऑफ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। इनका ये माइक्रोस्कोप खुद का ही बनाया हुआ था और ऐसा माना जाता है उस समय का सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप था एंटोन लीवेनहॉक के पास। ठीक है, तो ये बारिश के पानी में एक्चुअली में क्लास 9 में बताया गया है कि नियर द पॉन्ड वाटर। ठीक है, तो पॉन्ड वाटर जो पॉन्ड क्या बोलते हैं पोखरी, तो उसके किनारे वाले पानी से जब उस पानी को जब वो चेक किए तो छोटे छोटे जो जीव है जो ऑर्गेनिज्म है वो चलते हुए नजर आए। ठीक है, तो वो लिविंग सेल थे और जिसका डिस्कवरी कौन किया था एंटोन लीवेनहॉक ने। कोई दिक्कत नहीं 1674 में। देन उसके बाद बात आती है कि जो भी स्पॉन्स जो रिप्रोडक्शन में आप पढ़े होंगे मेरी गाय में स्पॉन्स ऑफ डॉग्स कैट्स हॉर्सेस, ठीक है, इन सब का स्पॉन्स का भी डिस्कवरी एंटोन लीवेनहॉक ने ही किया था। लेकिन कब? 1678 में। कब किया था? 1674 में तो वो लिविंग सेल डिस्कवर कर लिए, लेकिन ठीक 4 साल बाद 1678 में जो स्पॉन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के वो भी इन्होंने डिस्कवर, इवन ह्यूमन बींग्स हम लोग का भी जो डिस्कवर किया हुआ स्पॉन्स जो हम लोग जानते हैं स्पॉन्स आज के डेट में कौन डिस्कवर किए थे एंटोन लीवेनहॉक ही किए थे। एंटोन लीवेनहॉक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े। तो बात आती है कि इसके डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ और चीज है। तो 1665 में हम जान गए रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, 1674 एंटोन लीवेनहॉक, 1678 एंटोन लीवेनहॉक की स्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स डॉग कैट, फिर आते 1700 में नहीं जाएंगे, फिर आएंगे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर किए थे न्यूक्लियस इन ए प्लांट सेल। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस इन ए प्लांट से डिस्कवर किए थे। 1839 में जेई पुरकिन जी 1839 में डिस्कवर किए थे प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड होगा और जो
न्यूक्लियस के बाहर का जो फ्लूइड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अगर प्रोटोप्लाज्म के बारे में डायरेक्टली अगर सीधे बोलना है तो बोलेंगे द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा, जो भी फ्लूइड होगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, 1838 में जैकब मैथियस हिल्डन, ठीक है, हम मैथियस हिल्डन ही लिखे हैं, जैकब मैथियस हिल्डन का पूरा नाम है। तो मैथियस हिल्डन ने बताया था कि जितने भी प्लांट सेल हैं एक्चुअली क्या था, ये बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, तो मैथियस हिल्डन एक बॉटनिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट, बॉटनी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट, बॉटनिस्ट मीन्स पर्सन हु स्टडी अबाउट द प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में जो पर्सन स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैथियस हिल्डन ने बताया था कि जितने भी प्लांट सेल्स वाले सारे सेल्स बने हुए हैं। ये जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। एक्चुअली आई एम ऑल्सो जूलॉजिस्ट, ठीक है, बीएससी जूलॉजी, माई क्वालिफिकेशन है बीएससी जूलॉजी। देन तो थियोडोर स्वान ये थे जूलॉजिस्ट, और जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स पे स्टडी करता है, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द एनिमल्स। तो थियोडोर स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किसी से बने हैं? सेल से बने हैं। तो जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने बताया प्लांट सारे सेल से बने हुए हैं, जो जूलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया सारे के सारे एनिमल्स जो है वो सेल से बने हुए हैं। तो एक आइडिया आया कि उन्होंने इन दोनों ने मिलके एक थियोरी दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सेल थियोरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल थियोरी, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये 99% श्योर है। ठीक है, तो सेल थियोरी, तो सेल थ्योरी किन्होंने, किसने दिया? तो अभी हम बताए हैं इन दोनों ने मिलकर दिया था, मतलब मैथियस हिल्डन एंड थियोडोर स्वान कंबाइंडली गेव द सेल थ्योरी। अब बात करा किया जाएगा कि कब दिया गया, तो जाहिर सी बात है 1838 में ये कुछ बताएं कि जितने प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, 1839 में इन्होंने ये बताया, तो जाहिर सी बात है सेल थ्योरी की स्टार्ट 1838 से ही हो चुकी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सेल थ्योरी गिवन इन विच ईयर? 1838। और 1839 ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको लिखना होगा तो आप 1838 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथियस हिल्डन एंड थियोडोर स्वान, याद रखिएगा। उसके बाद सेल थ्योरी में, अब जाहिर सी बात है सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है कि सेल के बारे में जो भी फैक्ट्स हमको पता चला तो उसको एक जगह इकट्ठा करके लिखना उसके बारे में। अब कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में थ्योरी लिखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज डिस्कवरी करते हैं उसके बारे में थ्योरी लिखते हैं, क्या उसके ऊपर मैंने क्या पाया, क्या रिसर्च किया, क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, क्या उससे लॉस है, क्या बेनिफिट है, क्या इसका हमारे सोशल में यूज है, तो बहुत सारा थ्योरी होता है। तो उसी तरीके से सेल पे भी जो डिस्कवरी हुआ ना, सेल के बारे में इतना सारा बात जो पता चला अभी तक, तो उसको एक पेज के अंदर या एक मान लीजिए एक फैक्ट जो कि पता चला अभी तक, तो उसको कंबाइनली एक जगह रखना। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, सेल के बारे में जो भी फैक्ट है वो इन्होंने मिलकर दिया, वो क्या था उस पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर क्या बताया कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सब के सब सेल से बने हुए हैं, बताया ना। तो हम ये बोल सकते हैं पॉइंट नंबर वन में, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सेल थियरी, सेल थियरी। तो पॉइंट नंबर में लिख सकते हैं प्रपोज्ड बाय, सेल थियरी किसने दिया? प्रपोज्ड बाय मैथियस डबल टी एच आई ए एस, मैथियस सेल्डन एंड थियोडोर श्वान। सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम आएगा कि किन दोनों ने मिलके दिया इस पे थियोरी। पॉइंट नंबर टू में, अब ये दोनों अलग अलग थे, प्लांट्स जो सेल से बने हुए और एनिमल से बने हुए, तो दोनों ने मिलकर एक चीज बता दिया कि
ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल सब बना हुआ है सेल से, तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्यों हमारे धरती में प्लांट एनिमल के अलावा और कुछ भी है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एनिमल ही आता है ना, तो वही बात है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट, जो भी लाइफ से रिलेटेड या जो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर जैसे ही हम बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शन ध्यान से कान खोल के सुनिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसे हम बोलते हैं तो समझ जाइएगा उसका मतलब होता है द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल विच सपोर्ट्स लाइफ। तो सेल के अंदर वैसा केमिकल रिएक्शन होता है जो किसी भी जीवन को आगे बढ़ाने में या किसी भी जीवन को सपोर्ट करता है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जो सेल के द्वारा किया जाता है। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं आएगी जो आपको पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं है? तो एनर्जी कहां से आता है? रेस्पिरेशन, सेल ही करता है ना रेस्पिरेशन, एनर्जी कौन बनाएगा? सेल ही बनाएगा। तो वही बात है, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगा तो कोई भी लाइफ एक्टिविटीज है वो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है, हमारा जीवन संभव होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सॉरी ये चीज यहां पे छूट गया, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल विच सपोर्ट लाइफ ये जरूरी है, ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल विच सपोर्ट्स। तो वैसा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि सेल के अंदर होता है और वो किसी भी जीवन को सपोर्ट करता है, ठीक है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, वैसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा नहीं कि नाश करने वाला होगा तो उसको निकल जाएगा ना, तो फिर जो लाइफ को सपोर्ट करे वैसा केमिकल रिएक्शन किसके अंदर होता है? सेल के अंदर होता है, कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी सेल हैं वो अराइज होते हैं, जन्म लेते हैं या ग्रो करते हैं या आते हैं, जितने भी सेल यहां से आएंगे कहां से आएंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएंगे, तो पहले सेल जो मौजूद है उसी से ही एक नया सेल बनेगा, आएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी सेल मर गया है तो उससे एक नया सेल आएगा, ग्रो करेगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस होगा, नहीं, जो पहले से सेल मौजूद है जीवित लाइव उसी से ही जो है एक नया सेल बन सकेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये जो है किसने दिया था, ये जो ये सेल थ्योरी में ऐड किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम है, आपको मालूम है नाम क्या होगा, क्लास एट में बताया हुआ भी है, रुडोल्फ विल्को 1855। तो जो सेल थ्योरी जो उन्होंने दिया था ना दो साइंटिस्ट ने, तो उस सेल थ्योरी में ये अपना जोड़े थे, ठीक है, रीडिफाइन किए थे, जैसे हम कुछ थ्योरी दे दिया फिर बाद में डिस्कवरी कुछ और हुआ सेल के बारे में, कुछ और मालूम चला तो फिर उसमें जोड़ देंगे ना, तो रुडोल्फ विल्को जो है वो ये वाला बताया थे कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एवरी ऑर्गेनिज्म
कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है वो अपने जीवन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ केवल एक सेल से ही करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर तो पहले एक सेल का होता ही है, या मल्टी सेलुलर हो। हम लोग में ह्यूमन बींग्स में आप पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन में, एम्ब्रायो फॉर्मेशन से पहले क्या बनता है, मेल फीमेल गैमेट मिलता है तो क्या होता है, क्या होता है, जायगोट, और जायगोट एक सेल होता है, जायगोट वन सेल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा जायगोट एक सेल होता है। फिर जायगोट से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो होता है मल्टी सेलुलर, लेकिन जायगोट तो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का होता है, ध्यान रखिएगा। एवरी ऑर्गेनिज्म अदरवाइज यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, वो अपने जीवन की शुरुआत स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं। रुडोल्फ इल्को द्वारा क्या कहा गया था, ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कब कहा गया था, 1855 में, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सेल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक, कोई दिक्कत नहीं। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, यहां बताया ना कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियो है ध्यान से। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब, प्रिमिटिव का मतलब क्या था, प्राचीन, प्राचीन न्यूक्लियस, और ट्रू का ट्रू न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, तो बता रहे थे कि प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन कहने वाला कि प्राचीन कहने का मतलब कि ये नहीं कि सैकड़ों हजारों साल सबसे पहले, मतलब एक बार बताओ प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि पुराना, और ट्रू का मतलब समझ जाइए नया, तो पुराना और नया कैसे होगा, तो सब ये प्रिमिटिव यहाँ की न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में अनडेवलप होता है, मतलब इसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको हम यहां हम बोलते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहे तो इसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आवरण होगा वो रहेगा, ठीक है, और ये आवरण का बहुत बड़ा रोल होता है, मेम्ब्रेन सिर्फ न्यूक्लियस के ऊपर ही नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेल के पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, तो मेम्ब्रेन का वैसे ही उतना इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि आपके घर में हर एक कमरे के बीच में दीवार है, अगर आपकी किचन बाथरूम बेडरूम हॉल इसमें अगर दीवार नहीं रहेगा, मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, आवरण नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा, तो वही बात है। तो वेल डेवलप्ड अगर बात करते हैं तो मेम्ब्रेन की बात करते हैं, और अनडेवलप्ड में मेम्ब्रेन गैप होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, इसको हम बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहने का मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहां न्यूक्लियस एब्सेंट, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ठीक है न्यूक्लियस को बोल दिया, लेकिन न्यूक्लियस है एब्सेंट है तो वैसे रीजन को, वैसे मिडिल पार्ट को, वैसे बीच वाले पार्ट को, न्यूक्लियस जनरली बीच में होता है तो वैसे पार्ट को क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस अगर एब्सेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाइड रीजन, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं न्यूक्लियाइड रीजन, तो जहां न्यूक्लियस नहीं होगा वहां न्यूक्लियाइड रीजन होगा,
और जहां न्यूक्लियस होगा वहां न्यूक्लियर रिएक्शन की बात नहीं आती है, वो सीधा सीधा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, क्या होगा प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा, यहां नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिगर के माध्यम से ही बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप सिंपल सिंपल बात करिए, अभी हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिए, न्यूक्लियर नहीं है तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर कहलाएगा, जहां न्यूक्लियस है वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, जहां नहीं न्यूक्लियस ही नहीं है न्यूक्लियर फिशर है तो वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब खुला होगा, हॉज पॉज एकदम खिचड़ी होता है ना, दाल भात चोखा एकदम सिंपल वही होगा। ठीक है, मिक्स, उसके बाद हम बात करते हैं साइज की, तो प्रोकैरियोट का साइज जो है वो जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर, मिलीमीटर नहीं पड़ेगा इसको, क्या पढ़ेंगे माइक्रोमीटर, और इसका साइज जो होगा वो होगा 10 to 100 माइक्रोमीटर, कोई दिक्कत नहीं साइज के बारे में। अब क्रोमोसोम के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग, तो यहां पे प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ऊपर लिखा है, ठीक है, सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम होता है, और यहां मोर देन वन क्रोमोजोम, यानी एक से ज्यादा क्रोमोजोम यहां प्रेजेंट होगा, क्रोमोजोम है ना। अगर बात करते हैं कि यहां पे न्यूक्लियस के ऊपर जब मेम्ब्रेन नहीं है तो बाकी जितने भी सेल के पास न्यूक्लियस के अलावा होगा प्रोकैरियोटिक में उस पे भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, और यूकैरियोटिक में भी जिस पार्ट यहां अगर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है तो बाकी सारे पार्ट में भी यहां पे मेम्ब्रेन होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेल डेवलप्ड सेल, वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स वाला, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला सेल भी तो क्या कहलाएगा, वेल डेवलप्ड, ओ सॉरी वेल डेवलप्ड सेल ही कहलाएगा, वेल डेवलप्ड उसके अंदर पार्ट होगा तो वेल डेवलप्ड पूरा सेल कहलाएगा, ये अनडेवलप्ड है, ये वेल डेवलप्ड नहीं है तो ये अनडेवलप्ड कहलाएगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड, आवरण से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स का मतलब सेल का पार्ट, सेल के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है जो सेल को फंक्शन करने में हेल्प करता है, तो सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं कि आपके बॉडी के ऑर्गन्स में अगर सारे के सारे बॉडी पार्ट्स अगर एक ही में अगर हॉज पॉज हो जाए तो सही से फंक्शन करेगा, नहीं करेगा, वो किसी ना किसी तरह के सेल्स से टिश्यू का लेयर होता है जिसको हम लोग इपिथेलियल सेल्स के नाम से जानते हैं, स्किन के भी में भी वो प्रेजेंट होता है, वो सही से बॉन्ड नहीं होगा, सही से अपने जगह पर फिक्स नहीं होगा तो आपका बॉडी फंक्शन करेगा, नहीं करेगा, उसी तरह से सेल के अंदर भी वही होता है, लेकिन यहां फंक्शन से बात नहीं कर रहे हैं, यहां वर्किंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां बोलते हैं कितना अच्छा सजा हुआ हो, तो जो हम ये एग्जांपल दिए हैं कि एक बरांडा में आपका पूरा लैट्रिन बाथरूम किचन होगा तो वो कैसा देखने में होगा, वो कैसा फंक्शनिंग में होगा, और एक प्रॉपर वे में एक दीवार से अलग अलग किया हुआ है वो कैसा होगा, उसके बारे में आगे के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए स्टे सेफ एट योर होम, और जब इस ऑनलाइन पीरियड में जो है हम
इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने पसीने में हैं, तो आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप भी उतना ही मेहनत करेंगे घर पे, और जो भी आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा, ठीक है, तो वो स्वेताम्रा एकेडमी जो फेसबुक पेज है और स्टडी इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारा ये चैनल पे आप देख रहे हैं ना, तो वहां पे आप इजी वे में कमेंट करिए और आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।